अगर आप भी अमिताभ बच्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर या फिर लेडी गागा के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं तो आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि राजधानी दिल्ली में खुल गया है मैडम तुसाद म्यूजियम। गुरुवार को इस म्यूजियम का नई दिल्ली में रीगल सिनेमा की बिल्डिंग में शुभारंभ किया गया। इसी साल जून महीने में इस म्यूजियम को पूरी तरह से लोगों के लिए तैयार कर दिया जाएगा। मैडम तुसाद का ये 23वां म्यूजियम है। इस म्यूजियम में आपको बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, हॉलीवुड सुपरस्टार जैकी चैन, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और पॉप गायिका लेडी गागा जैसी हस्तियों के पुतले देखने को मिलेंगे। लेकिन गुरुवार को लॉन्चिंग डे के मौके पर लेडी गागा, अमिताभ बच्चन और तुसाद की मूर्तियों की एक झलक देखने को मिली थी। आपको बता दें कि लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में दुनिया भर की 2000 मशहूर हस्तियों के मोम के पुतले रखे हुए हैं, तो वहीं इसके दिल्ली स्टूडियो में बॉलीवुड और हॉलीवुड सहित अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों के मोम के पुतले होंगे, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय ऐतिहासिक बदलावों को दिशा दी बल्कि विश्व में भी प्रभावी बदलाव लेकर आए। तो अब दूसरे देशों की बजाय आप दिल्ली में ही तमाम हस्तियों के मोम के बने इन जीवंत पुतलों को देख सकेंगे। यह म्यूजियम जून से लोगों के पर्यटन के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टैचू को लोग छूकर महसूस भी कर सकेंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।